मुंडापांडे थाना इलाके के शेरर बागे में मुरादाबाद लखनऊ हाईवे पर कोसी नदी का पानी आ गया था, जिसके चलते हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई थी। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए थे। इसमें बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को जिला प्रशासन की मदद से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था, लेकिन अब कई घंटे बीत जाने के बाद स्थिति सामान्य होने लगी। हाईवे पर आया कोसी नदी का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन द्वारा शुरू करा दी गई है। घंटों फंसे यात्री अपने अपने स्थानों पर वापस जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कई टीमें कोसी नदी के पास लगाई गई हैं, जो लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रही है। जनाब, मैं रामपुर से आ रहा हूँ। मैं यहाँ से लगभग 4:30 या 5 बजे के दरमियान इधर से गुजरा था मैं, तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। बहुत ही ज़्यादा मेरे घुटनों तक पानी भरा हुआ था, और मैं वहाँ से अब लगभग 2 घंटे के बाद वापसी कर रहा हूँ। तो अब मैं देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से पानी का काफ़ी बहाव ठहराव हुआ है, पानी उतरा है काफ़ी। और मैं आई प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके वो ट्रैफिक को कंट्रोल, जैसे सुबह से किया उन्होंने प्रशासन ने, ऐसे ही आगे भी करते रहें और स्थिति का जायजा लेते रहें। वहीं जब राहगीरों से बात की तो राहगीरों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घंटों से वो लोग कोसी नदी के बड़े जलस्तर की वजह से फंस गए थे, लेकिन अब जलस्तर सामान्य होने लगा है, जिसके बाद हाईवे पर वाहन दोबारा चलना शुरू हो गए हैं। समस्या ये है कि भैया, अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ से लेके, अपने बरेली से आ रहा हूँ मैं, और इस टाइम यहाँ पर लेके पानी इतना हो गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब लेके दिक्कत हो रही है, और पानी जो है वो बहुत ही मतलब लेके ऊपर तक इस टाइम आया हुआ है। और यहाँ पर एक हमारी लेके रोडवेज है, जी रोडवेज की हमारे लेके फंस भी यहाँ पर एक वो हो गई थी अंदर, ये अभी ये हो रही है यहाँ पर, अभी इसको मतलब रेस्क्यू हुआ यहाँ पर।